एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? आवाज सबको आ रही क्लियर? ओके गुड. सो इन अवर फर्स्ट क्लास वी विल बी टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन. ओके, व्हाट इज कम्युनिकेशन एंड हाउ इट इज इम्पोर्टेंट टू अस. तो व्हाट इज कम्युनिकेशन? ओके, इट इज मेड अप ऑफ अ वर्ड कम्युनिकेट. सिंपली वी कैन से टू एक्सप्रेस अवर सेल्फ and to understand other person. It's always a two-way process. It's not a single-way process. Communication is a two-way process. Two-way process ka matlab kya hai? We should understand and we can also express ourselves. Hame samajhna bhi hai aur samjhana bhi hai. Jab tak ye two-way communication nahi hoga, tab tak ye communication proper nahi mana jayega. Isiliye communication mein jo hota hai, ek cheez hoti hai jisko hum bahut importance dete hain, wo hoti hai feedback. जैसे मैं आप लोगों से भी फीडबैक बीच बीच में लेते रहता हूँ, फीडबैक से ही हमें पता चलता है कि किस तरह का कम्युनिकेशन हुआ या नहीं हुआ. अब आप देखेंगे पूरा एजुकेशन की जो प्रोसेस है, ये अपने आप पे एक कम्युनिकेशन ही तो है. एजुकेशन की पूरी प्रोसेस अपने आप में कम्युनिकेशन है. फीडबैक क्या होता है? हम आपका एग्जाम लेते हैं, एग्जाम में आपके जो मार्क्स आते हैं उसके बेसिस पे हम ये पता करते हैं कि आपको कितनी चीजें समझ में आई या नहीं आई. तो कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग एंड अंडरस्टैंडिंग. पहले अंडरस्टैंडिंग होगी फिर एक्सप्रेसिंग होगी. चारों स्किल्स में मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आपका लिसनिंग होता है. बच्चा जो होता है शुरू में लिसनिंग करता है. आपने छोटे बच्चे को देखा होगा, माँ माँ पापा दादा, इस तरह का रिपीटिंग वाले जो वर्ड्स होते हैं उनको सबसे पहले बोलना शुरू करता है. पानी को मम बोलने लगता है. इस तरह से क्या होता है, पहले लिसनिंग होती है. कम्युनिकेशन की शुरुआत हमेशा जो होती है वो लिसनिंग से होती है. लिसनिंग के बाद फिर वो बच्चा क्या करता है, उसको इमिटेट करता है और फिर वो बोलना शुरू करता है. तो फर्स्ट कम्स लिसनिंग, देन कम्स स्पीकिंग. ये हो गया. इसी के साथ साथ जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो फिर वो रीडिंग शुरू करता है. इन्हीं वर्ड्स को जो सुने होते हैं उसको वो लिखना पढ़ना शुरू करता है और फिर वो लास्ट में क्या करता है, शुरू राइटिंग करता है. तो ये आपको समझ में आ गया कम्युनिकेशन क्या है. इट्स अ मोड ऑफ एक्सप्रेशन इन विच वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड ऑल्सो एक्सप्रेस अवरसेल्व्स. ठीक है, दिस मच इज क्लियर आई होप. नाउ लेट्स मूव टू द अनदर स्लाइड. अनदर थिंग, ओके. तो यहाँ पे कम्युनिकेशन की कुछ डेफिनेशंस हैं. उन डेफिनेशंस को अगर आप ध्यान थोड़ा सा देखिए. देखो, कम्युनिकेशन इज फंडामेंटल. पहला एक वर्ड आ गया यहाँ पे, फंडामेंटल. फंडामेंटल को हम क्या कह सकते हैं, बेसिक, या हम कह सकते हैं प्राइमरी, ये कह सकते हैं मोस्ट एसेंशियल, जिसके बिना कोई चीज पॉसिबल नहीं है. ठीक है, तो कम्युनिकेशन एक फंडामेंटल प्रोसेस है. ठीक है, एंड इट इज फंडामेंटल टू द एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल. ठीक है, ये हमारे एग्जिस्टेंस और सर्वाइवल के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि मैन इज अ सोशल एनिमल बेसिकली. एंड सोसाइटी में एक सिस्टम कब बनता है, एक हायरार्की कब बनती है, फॉलो कैसे होती है, जब लोग आपस में प्रॉपर कम्युनिकेट कर सकते हैं. कम्युनिकेट करेंगे तभी वो सिस्टम प्रॉपर चल पाएगा. ठीक है, एंड इट इज एसेंशियल फॉर ह्यूमंस एंड ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ह्यूमंस ही होता है, या फिर कहते हैं सिस्टमेटिक ऑर्डर ऑफ ह्यूमंस होता है. तो वो हर जगह के लिए इंपॉर्टेंट है. इट इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड शेयरिंग आइडियाज. देखो, इसमें क्रिएटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी हम प्रोसेस में देखेंगे. तो सेंडर को सबसे पहले रखा गया, जो मैसेज को सेंड करता है. पर सेंड करने के लिए उसके पास मैसेज भी तो होना चाहिए. तो सबसे पहले होता है मैसेज, मैसेज को क्रिएट करना. जो इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के थ्रू हमारे माइंड में मैसेज क्रिएट होता है, वो सबसे फंडामेंटल और बेसिक प्रोसेस है कम्युनिकेशन की. एंड देन शेयरिंग आइडियाज. फर्स्ट यू डिवेलप समथिंग, देन यू शेयर आइडिया, इंफॉर्मेशन, योर व्यूज, फैक्ट्स और फीलिंग्स. ठीक है, इन सबको शेयर करना जो होता है वो कम्युनिकेशन होता है. ठीक है, टू रीच अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग. इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कॉमन अंडरस्टैंडिंग, यानी कि एक एक्शनेबल हम डिसीजन ले पाए उसके ऊपर कंसेंसस पे पहुंचना, ये हमारा इसका ऑब्जेक्टिव होता है. ठीक है, इट इज अ की टू डायरेक्टिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, यानी किस तरह से लोगों से क्या काम करवाना है, किस डायरेक्शन में मूवमेंट होगा, वो सारा का सारा कम्युनिकेशन पे डिसेंड करता है. तो बहुत अच्छी एक डेफिनेशन है जिसमें सारी की सारी चीजें बता दी गई आपको. इस डेफिनेशन को याद रखिए. इसके अलावा और भी कई डेफिनेशन है, बट वी कैन से दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल डेफिनेशन. ठीक है, अब क्या होता है, एक और बात बोलते हैं, मैनेजर में भी हाईली क्वालिफाइड हो सकता है, हाईली क्वालिफाइड हो, स्किल्ड हो, बट अगर उसके पास गुड कम्युनिकेशन स्किल नहीं है तो वो टीम में काम नहीं कर सकता.
या फिर वो लोगों को अपने बारे में कन्विंस नहीं कर सकता, तो ऑल हिज एबिलिटीज बिकम इररिलेवेंट। इसीलिए जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो सबसे पहले उनका फोकस होता है आपके कम्युनिकेशन स्किल को चेक करना, क्योंकि जब तक कम्युनिकेशन सही नहीं होगा, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल स्किल यू कैन से। एंड इंटरपर्सनल स्किल में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कम्युनिकेशन स्किल। और कम्युनिकेशन आपका क्लियर कब होगा? जब आपके थॉट्स अरेंज होंगे। अगर आपके थॉट्स प्रॉपर अरेंज हैं तभी आपका कम्युनिकेशन सही होगा। अगर आप माइंड में ही कंफ्यूज हैं तो फिर आपका कम्युनिकेशन भी इसी तरह का कंफ्यूजिंग होगा। ठीक है, तो ये दो चीजें इसमें थी, इसको आपको समझना चाहिए। एंड आई होप ये आपको समझ भी आ गई होगी। नेक्स्ट, कोई क्वेश्चंस आपके हो तो बीच में आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस की। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, 5 नंबर में भी आता है, 15 नंबर में भी आता है। इसमें हम देखते हैं सबसे पहले क्या है। सबसे पहले हमारे पास में आइडिया होना चाहिए या मैसेज होना चाहिए। जब मैसेज होगा, आइडिया होगा, कुछ तो होगा ना शेयर करने के लिए, तो पहले इसे हम क्रिएट करते हैं अपने माइंड के अंदर। जब एक बार हमारे माइंड के अंदर हमें क्लियर हो गया कि हमें क्या बात बोलनी है क्या नहीं बोलनी, तो फिर आता है सेंडर। सेंडर आएगा, सेंडर क्या करेगा, उस मैसेज को आगे फॉरवर्ड करेगा। तो थॉट आया, किसी के दिमाग में, उसने अब सोचा कि मेरे को उसको सेंड करना है। अब सेंड करने के लिए कैसे करेगा, क्योंकि आप थॉट्स को तो देख नहीं सकते ना, ना आप सुन सकते हैं ना समझ सकते हैं। उन थॉट्स को फिर आप एनकोडिंग करेंगे, यानी कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, एनकोडिंग करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे, या तो लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे, या कोई रिटन डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करेंगे, या फिर बॉडी लैंग्वेज के थ्रू आप उस अपनी बात को बताएंगे। वर्बल या नॉन वर्बल, दोनों तरीके की चीजें हो सकती हैं इसमें। आप उसको या तो वर्बल मीडियम में या नॉन वर्बल मीडियम में कन्वर्ट करेंगे, एनकोड करेंगे। ठीक है, फिर उस मैसेज को प्रॉपर अरेंज करेंगे। ठीक है, अब ये मैसेज जो है ये चैनल के थ्रू जो है आगे जाएगा। क्या करेगा, चैनल के थ्रू आगे जाएगा। चैनल क्या हो सकता है, जैसे आप और मैं अभी बात कर रहे हैं तो इंटरनेट हमारे बीच में एक चैनल का काम कर रहा है। ऑनलाइन हो रही है चीजें तो इंटरनेट हमारे बीच में एक चैनल का काम कर रहा है। इस तरह से अगर आप फेस टू फेस बात कर रहे होते हैं तो वहां पे एयर होती है जो आपकी साउंड को लेके जाती है अपने साथ में, तो वो मीडियम हो गया आपका। ठीक है, चैनल या मीडियम इसी को कहते हैं जिसके थ्रू आपकी जो मैसेज है वो कम्युनिकेट होता है आगे। ओके, ये चैनल हो गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और चैनल को आप बहुत ध्यान से चूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, पीछे से बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा आवाजें होंगी या आपके घर के आसपास आवाजें होंगी, तो वो नॉइज होगा। उस नॉइज की वजह से डिस्ट्रैक्शन होना शुरू हो जाएगा। तो नॉइज जो होता है एक मेन बैरियर होता है, बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन में नॉइज सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जो हमारे मीडियम और मैसेज को डिस्टॉर्ट कर देता है। यानी कहा था कुछ और समझ में आया कुछ और। ठीक है, अब ये चैनल के थ्रू रिसीवर के पास आया। जैसे आपकी आईज के थ्रू, आपकी ईयर्स के थ्रू, आपके सेंस ऑर्गन्स के थ्रू ये डेटा जो था आपके माइंड में पहुंचा। अब उसका माइंड जो है आपका वो उसे डिकोड करेगा, और माइंड डिकोड करके जो थॉट यहाँ से चला था या जो मैसेज यहाँ से चला था वो अब आपके पास पहुंच गया। ठीक है, थॉट भी हो सकता है, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये यहाँ पहुंच गया। अब हमको कैसे, सेंडर को कैसे पता चलेगा कि जो उसने मैसेज दिया था आपको, वो मैसेज आप तक एज इट इज पहुंचा या नहीं पहुंचा? तो वो मैसेज आपको पता चलेगा फीडबैक के थ्रू। जैसे मैं आपसे क्लास के बाद पूछता रहता हूँ कि आपको ये चीज समझ आई या नहीं, तो फीडबैक इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको एजुकेशन सिस्टम के बारे में बताया, आपको पढ़ाया गया, मान लीजिए एक सेमेस्टर आपको पढ़ाया, अब लास्ट में हमें कैसे पता चलेगा कि आपको जो पढ़ाया वो समझ में आया नहीं है, तो वो फीडबैक से पता चलेगा। फीडबैक क्या हो सकते हैं, हम आपका वर्बल टेस्ट ले सकते हैं, वर्बली पूछ ले क्लास में खड़ा करके, या फिर फॉर्मल हम आपको क्लास ले सकते हैं, आपका जो एग्जाम होगा उसके थ्रू हम आपके चीजों को असेस करेंगे। तो यही बेसिकली कम्युनिकेशन की प्रोसेस है। तो दो पार्ट हो गए कम्युनिकेशन, जब आएगा तो दो डेफिनेशन, उसको डिटेल में एक्सप्लेन करना आना चाहिए। फिर आपको इसकी प्रोसेस क्या होती है, ये प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करनी आनी चाहिए, ये प्रोसेस आप एक्सप्लेन कर देंगे। उसके बाद फिर अगला पॉइंट जो आता है इसमें, वो इस प्रोसेस को समझना ही है। जैसे कि सेंडर कौन होता है, जो कम्युनिकेशन जनरेट करता है और उसको रिसीवर को कन्विंस करता है। ठीक है, वो सोर्स होता है, ही इज द सोर्स एंड द वन हु स्टार्ट्स द कम्युनिकेशन, और इनिशिएट करने वाला भी यही पर्सन होता है। फिर क्या होता है, वो आइडिया जिसको कन्वर्ट किया जाता है मैसेज की फॉर्म में। तो मैसेज क्या होता है, इट इज द आइडिया और इन्फॉर्मेशन वट एवर दैट इज जनरेटेड बाय द सेंडर एंड इज देन इंटेंडेड टू बी कम्युनिकेटेड फर्दर। तो ये एक फॉर्मल वो चीज होती है
थॉट से जिसको हमने कन्वर्ट करके मैसेज बनाया जिसको हम आगे भेजते हैं। एनकोडिंग यानी कि उसको हम, देखो इसमें लिखा हुआ है नॉन वर्बल या वर्बल, इसमें एनकोडिंग को अब हम दो चीजों में कर सकते हैं, वर्बल में भी या नॉन वर्बल में भी, ठीक है। ऐसा भी बोलते हैं, वर्बल में कैसे हो गया, वर्बल में आपने वर्ड्स का यूज किया, ठीक है, और नॉन वर्बल में क्या हो गया, आपने बॉडी लैंग्वेज का यूज किया, बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर, पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हो जाती है। कहते हैं एन एक्शन स्पीक्स मोर देन 1,000 वर्ड्स, ठीक है। आजकल तो एक और नया चलने लगा सिस्टम, वो भी होता ही है, बिल्कुल सही है, ग्राफिक्स के थ्रू एक्सप्लेन करना। बोलते हैं ना, अ पिक्चर स्पीक्स मोर देन 1,000 वर्ड्स, तो एक पिक्चर भी ऐसे हो सकती है जो अपने मैसेज को कन्वर्ट कर दे। तो एनकोडिंग में देखिए बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, वर्ड्स यूज होते हैं, पिक्चर्स यूज होते हैं, जेस्टर्स यूज होते हैं, ठीक है, कोई भी चीज हो सकती है। मीडिया यानी कि आपका कह सकते हैं मीडियम जिसके थ्रू आप अपनी बात को आगे भेजेंगे, ठीक है। इट इज द मैनर इन विच द एनकोडेड मैसेज इज ट्रांसमिटेड, एनकोडेड मैसेज को ट्रांसमिट करने का मीडिया होता है, ठीक है। जैसे कि टेलीफोन हो गया, इंटरनेट हो गया, पोस्ट हो गया, फैक्स हो गया, ईमेल हो गया, जो भी आप यूज करेंगे मीडियम, ठीक है। अब ये बहुत अब यूजुअली क्या होता है, जैसे कि हम आजकल जो है वो रिटर्न कम्युनिकेशन पे ज्यादा ध्यान देते हैं, रिटर्न कम्युनिकेशन पे। सपोज करिए व्हाट्सएप ही है, तो व्हाट्सएप पे जब डबल ब्लू टिक आ जाता है, दो बार लिखा हो, तो हमें पता चल जाता है कि मैसेज रिसीव भी कर लिया। बट हम यही देखते हैं कि मैसेज उसने रिसीव करा मतलब पढ़ लिया, उसको क्या समझ में आया, सही समझ आया या नहीं आया, ये हमको नहीं पता चलता, ठीक है। तो ये चीज होती है, उसमें हमें इंस्टेंट फीडबैक तो मिल जाता है, बट एग्जैक्टली हम नहीं कह सकते कितना समझ आया या कितना नहीं आया, ठीक है। डिकोडिंग मैंने वही बताया, उस चीज को रिसीव करने के बाद में, जो भी आपका मैसेज है उसको रिसीव करने के बाद में डिकोडिंग शुरू होती है। सिंबल्स एनकोडेड बाय द सेंडर, ठीक है, मैसेज को वो डिकोड करता है अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने जब कुछ कहा, वर्ड्स का यूज आपने किया या लैंग्वेज का यूज आपने किया, अब अगर रिटन होगा तो आईज और स्पोकन होगा तो आपके ईयर्स, ये इसको रिसीव करेंगे और फिर क्या करेंगे, डिकोड करेंगे, डिकोड करेंगे। इसीलिए कहते नहीं कई बार कि आप वही सुनते हैं जो आप सुनना चाहते हैं, तो ये थोड़ा सा हमारा माइंड का एक गेम होता है कि हम अच्छी चीज में भी बुराई चीज ढूंढ लेते हैं, क्योंकि हम जो देखना चाहते हैं वही देखते हैं, या हम जो सुनना चाहते हैं वही चीज देखते हैं। ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग एरर बोल सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी कैन नॉट बी इम्पार्शियल, हमारे माइंड में प्रिजुडिसेस रहती है, ये ऐसा होगा वो ऐसा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग भी क्या होता है, हम एग्जैक्टली डिकोड नहीं कर पाते, ठीक है। इसमें एक चीज और आती है, रीडिंग बिटवीन द लाइंस। रीडिंग बिटवीन द लाइंस का मतलब क्या हो गया, कि जैसे मैंने आपको उस दिन वीडियो दिखाया था, तो उस वीडियो में यही चीज थी कि जो आप कह रहे हैं क्या आपकी बॉडी लैंग्वेज भी वही चीज कह रही है, आपके वर्ड्स और बॉडी लैंग्वेज सेम होना चाहिए, या जो आप वर्ड्स बोल रहे हैं वो कहीं पे निगाह है कहीं पे निशाना वाला सीन तो नहीं है, कि आप बोल कुछ और रहे हैं उसका मतलब कुछ और है, या जिसको हम कहते हैं टोन में बात करना या इस तरह की चीजें, उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो आई होप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस थिंग, ओके। देन रिसीवर, रिसीवर इज द पर्सन, ठीक है, हु रिसीव दिस थिंग, ठीक है, एंड वो उस मैसेज को क्या करता है, अंडरस्टैंड करता है, वो उस मैसेज को अंडरस्टैंड करता है और उससे एक मीनिंग निकालता है, ठीक है। तो ये चीज होती है, उसके बाद आएगा फीडबैक। फीडबैक हमने देखा वही है, फीडबैक मैंने आपको बता दिया, जब हम उस चीज को प्रॉपर रिसीव करते हैं। और नॉइज क्या होता है, किसी भी तरीके का डिस्ट्रैक्शन, ठीक है। नॉइज ऐसा नहीं है कि बाहरी ही हो सकता है आपके माइंड में इतने ज्यादा थॉट्स चल रहे हो कि सामने वाले की बात आपके समझ में ही ना है, तो साइकोलॉजिकल बैरियर भी होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हल्ला हो रहा है इसीलिए हमें समझ में नहीं आ रहा, हो सकता है जिसने मैसेज कन्वर्ट करा वो मैसेज को कन्वर्ट ना कर पाया, अपने थॉट्स को प्रॉपर मैसेज में कन्वर्ट ना कर पाया, तो नॉइज भी कई तरीके के इसमें हो सकते हैं, राइट। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये जरा सा ध्यान से समझिएगा आप, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये अलग से भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार, 15 मार्क्स में भी आ जाता है क्वेश्चन कई बार, तो इसको हम देखते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन को ऑन द बेसिस ऑफ मेथड्स ऑफ एक्सप्रेशन में, एक्सप्रेशन एक्सप्रेस करने के तरीके से हम इसको देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। एक्सप्रेशन यानी हमने उसको किस तरह से एक्सप्रेस करा उसको हम देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड, ओके। इसमें हमारे पास दो चीजें आ गई, वर्बल और नॉन वर्बल, यानी अपने मैसेज को अपनी बात को एक्सप्रेस करने का मेनली दो तरीका है, एक तो वर्बल एक है नॉन वर्बल। वर्बल में क्या हो गया, ओरल कम्युनिकेशन, यानी कि जब हमने वर्ड्स को अपने मुंह से बोल दिया, या फिर रिटन कम्युनिकेशन जिसमें हमने उनको
लिख दिया, यानी कि वी राइट समथिंग, ओके। इसमें हमारा ईयर्स का यूज हो जाता है, इसमें हमारा आईज का यूज हो जाता है। ये तो दो चीज होगी आपकी वर्बल कम्युनिकेशन के, ये दो टाइप्स हो गए, ठीक है। अब नॉन वर्बल में क्या होता है, विजुअल कम्युनिकेशन, जो हम नहीं, हाँ ठीक है, इसमें एक जस्ट अ मिनट है, ओके। विजुअल कम्युनिकेशन किसमें आ गया, ये इसमें नहीं है, जस्ट नॉन वर्बल में नहीं है। नॉन वर्बल में क्या क्या चीजें आती है, नॉन वर्बल में आपकी आती है बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, जेस्चर, पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, ये सारी की सारी चीजें इसमें आ जाती है, ठीक है, ये इसमें आ जाती है। बॉडी काइनेसिस, आपका बॉडी का मूवमेंट कैसा हो रहा है, उस चीज के बारे में भी ये चीज आ जाती है, ठीक है। ये हो गया आपका, इसमें लिखा है देखो विजुअल कम्युनिकेशन। ऑडियो मेथड में तो जो हो गया आपका सुनने वाला हो गया। अब ऑडियो में भी क्या होता है, एक तो हम लैंग्वेज होगी, और एक लैंग्वेज के अलावा हमारे पास एक वर्ड होता है पैरालिंग्विस्टिक्स, यानी व्हाट वी आर स्पीकिंग एंड हाउ वी आर स्पीकिंग, जो चीज हम बोल रहे हैं उसको बोलने का तरीका कैसा है, क्या हमारा मॉड्यूलेशन या एक्सप्रेशन, पिच, इंटोनेशन, ये सारी की सारी चीजें सही है या नहीं है, ये चीजें भी इसमें काउंट करती है, ठीक है। ये हो गया ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन कैसा होता है, जैसे अभी हम ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन यूज कर रहे हैं, आप आवाज भी सुन पा रहे हैं और सामने चीजों को होते हुए भी देख पा रहे हैं, ठीक है। ये सारे के सारे इसके टाइप हो गए। जेस्चर कम्युनिकेशन, यानी कि अपनी बॉडी के जेस्चर्स के थ्रू ही हम अपनी बात एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे कभी आप देखेंगे ना, जानवरों में आपने देखी होगी लड़ाई होती है, तो वो मुंह अपना बड़ा सा बड़ा खोलने की कोशिश करते हैं, जिसका मुंह बड़ा खुलता है उसको विनर माना जाता है। तो इस तरह से ह्यूमंस में भी होते हैं, कई तरह के जेस्चर्स होते हैं, किसी की बातों में हम इंटरेस्टेड है या नहीं है वो दिखाने के भी कई एक तरीके होते हैं, ठीक है। पैसिव कम्युनिकेशन, अपनी बात को डायरेक्ट ना बोल के इनडायरेक्ट बोलना, और कम्युनिकेशन थ्रू एक्शन, हमने कुछ बोला नहीं, कुछ काम करके दिखा दिया, उससे हमें पता चल गया, ठीक है। तो ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्रेशन, मेथड या मीडिया। अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन किस तरह से फ्लो होती है, हॉरिजेंटल, मतलब जैसे एक स्टूडेंट ने दूसरे स्टूडेंट से बात की, सेम लेवल पे कम्युनिकेशन हुआ, तो उसको हम बोलते हैं हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन। वर्टिकल कम्युनिकेशन में या तो अपवर्ड होगा या फिर डाउनवर्ड होगा, इधर इट विल बी अपवर्ड और डाउनवर्ड, ये डिपेंड करता है। क्रॉस वाइज में क्या होता है, हॉरिजेंटल भी हो रहा है और वर्टिकल भी हो रहा है। समझ नहीं आएगा तो आप मेरे को बता देना, ठीक है। ये देखो इसमें आ गया अपवर्ड कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, ये स्ट्रिक्टली हायरार्की को फॉलो करता है। जब आप अपने बॉस से बात करते हैं तो अपवर्ड हो गया, जब आपका बॉस आपको कोई इंस्ट्रक्शन देता है तो वो डाउनवर्ड हो गया। ये क्लास रूम में भी अप्लाई कर सकते हैं, स्टूडेंट ने टीचर को बोला तो अपवर्ड कम्युनिकेशन, और टीचर ने स्टूडेंट को कुछ बात बोला तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशन में एक फॉर्मल कम्युनिकेशन होगा, जो थ्रू फॉर्मल चैनल होगा, ये होगा हमेशा थ्रू फॉर्मल चैनल, ठीक है, जिसमें जैसे कि आपने ऑफिशियल ईमेल से किसी को मेल कर दिया, और इनफॉर्मल जो आपने कैजुअली बोल दिया या जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, नॉर्मल आपने बातचीत करी, ये हो गया। ये पूरा आपको याद रखना है, इस प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है 15 मार्क्स में, ये चीज आपके एग्जाम में हर बार आती आती है, ओके। आई होप द थिंग्स आर गेटिंग क्लियर इन योर माइंड, यू कैन आस्क योर डाउट्स। अब थोड़ा थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, जैसे ओके, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, एनी कम्युनिकेशन दैट टेक्स प्लेस विदाउट फॉलोइंग द फॉर्मल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन। फॉर्मल चैनल कैसे हो गए, जैसे मानो आपने ईमेल, ऑफिशियल ईमेल पे किसी को मैसेज किया, ऑफिशियल ईमेल पे आपने किसी को मैसेज किया, तो वो क्या हो गया, फॉर्मल हो। आपने एक एप्लीकेशन लिखा, वो एक फॉर्मल मेथड हो गया। तो जब इस जाता है तो ठीक है, जब इसको फॉलो नहीं किया जाता तो ये क्या होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो नोन एज ग्रेपवाइन, ठीक है। ये देखो ऑर्गेनाइजेशन में पूरी तरीके से फैल जाता है ना, अथॉरिटी का कोई बात नहीं है, जिसको हम एक तरह से कह सकते हैं नॉर्मल बातचीत करना या गॉसिप करना, ये सारी की सारी चीजें होती है, ठीक है। ये तेजी से फैलता है लाइक रूमर्स, ठीक है, और डिस्टॉर्ट भी हो जाता है, कहा किसी ने किसी को कुछ कहा और वो जो था, मतलब गॉसिप समझ लो वैसे एक तरीके से, है ना, गॉसिप सॉर्ट ऑफ थिंग। उसका सोर्स भी पता नहीं चलता है, अफवाह उड़ जाती है, र्यूमर्स फैल जाता है इससे, ठीक है, ये सारी की चीजें होती है। पर ये कभी कभी हेल्पफुल भी होता है। हेल्पफुल कैसे होता है, कि जो बॉस होता है उसके पास में इंफॉर्मेशन आती रहती है अबाउट द वर्किंग पीपल, जो उसके अंडर में काम कर रहे होते हैं उनके बारे में उसे इंफॉर्मेशन मिल जाती है, और बहुत रैपिडली मिल जाती है, ठीक है, मैनेजर को, जो काम की इंफॉर्मेशन होती है। क्योंकि आप देखिए फॉर्मल चैनल आप हमेशा यूज नहीं करते, फॉर्मल
फॉर्मल चैनल यूज करने का मतलब है कुछ भी होगा तो आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो ज्यादातर कम्युनिकेशन क्या होता है, इंटर ऑर्गेनाइजेशन में इनफॉर्मल कम्युनिकेशन थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, ठीक है। और इस तरह से करने से क्या होता है, उनके और सबॉर्डिनेट्स के बीच में, सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच में एक प्रॉपर रिलेशन बना रहता है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली रन करने में हेल्प मिलती है। तो ये थोड़ा सा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में एक्सप्लेनेशन था। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन को कौन कौन सी चीजें हैं जो ब्लॉक कर देती हैं। इसमें सबसे पहले आता है सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक मतलब रिलेटेड टू लैंग्वेज, भाषा से संबंधित बैरियर को हम बोलते हैं सिमेंटिक बैरियर। देखते हैं, लेट्स सी, एंड ऑब्स्ट्रक्शन इन द प्रोसेस ऑफ एनकोडिंग एंड डिकोडिंग ऑफ मैसेज। एनकोडिंग और डिकोडिंग करते समय ये प्रॉब्लम सामने आती है, ठीक है, जब हम उसे वर्ड्स इमेजन में डालते हैं तो ये ठीक है। ये मेनली क्या हो गया कि आप लैंग्वेज का सही यूज ना कर पाना, ठीक है। देखो एग्जाम्पल से समझ आएगा। अब मैनेजर हैज टू कम्युनिकेट विद वर्कर्स हु हैव नो नॉलेज ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। अब जिसको इंग्लिश लैंग्वेज की नॉलेज ही नहीं है, उसके साथ आप किस तरह से कम्युनिकेट करोगे। ये चीज जो थी, ये साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में भी हुई वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे, जब आपको आर्मी में ज्यादा लोगों की जरूरत थी तो उनकी इंटेलिजेंस को टेस्ट किया जाने लगा, इंटेलिजेंस को टेस्ट किया गया। अब इंटेलिजेंस को टेस्ट करने में प्रॉब्लम क्या थी कि कुछ लोग तो थे जो नेटिव थे वहाँ के, जो लोकल थे, जिनको उनकी लैंग्वेज आती थी, पर जैसे इंडिया में उनको रिक्रूटमेंट करना था या और कई कंट्रीज में रिक्रूटमेंट करना था, तो उनको इंग्लिश लैंग्वेज इतनी अच्छी नहीं होती थी। तो वो क्या करते थे, उनका नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट देते थे, जिसमें वर्ड्स का यूज नहीं होता था, सिंबल्स का यूज होता था, और उसे कंप्लीट करना है, इनकम्प्लीट फिगर को कंप्लीट करना है, इस तरह की चीजें, एनालॉजी है, इन सब चीज के थ्रू वो टेस्ट करते थे, ठीक है। तो सिमेंटिक बैरियर का मतलब है, इट इज अ बैरियर विच इज कंसर्न एंड विच हैपन्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एनकोडिंग एंड डिकोडिंग। प्रोसेस ऑफ एनकोडिंग और डिकोडिंग के दौरान होता है, और ये ज्यादातर लैंग्वेज पे ही संबंधित होता है, ठीक है। अब आता है साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर ड्वेल हो सकता है सेंडर के बीच में भी, दिमाग में भी हो सकती है, और रिसीवर के दिमाग में। सेंडर के दिमाग में होगी तो वो मैसेज को एनकोड ही नहीं कर पाएगा, मैसेज की प्रॉपर एनकोडिंग नहीं होगी, या फिर वो मैसेज जो होगा सिस्टमेटिक नहीं होगा, या फिर वो मैसेज जो होगा कंप्लीट नहीं होगा, बहुत सारी चीजें इसमें हो सकती है, ठीक है। रिसीवर के साथ भी यही होगा कि रिसीवर अगर प्री ऑक्यूपाइड है तो वो उसको डीकोड नहीं कर पाएगा, या उसका जेस्ट जो है, जो समझने वाली चीजें वो ना समझ के फालतू की चीजों में, इधर उधर की चीजों में थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देगा, ठीक है। इमोशनल, ठीक है, ये तो हो गया आपको, ठीक है। स्टेट ऑफ माइंड, मेनली वो ये कि स्टेट ऑफ माइंड सेंडर और रिसीवर दोनों के ऊपर ये चीज डिपेंड करती है। दिस इज साइकोलॉजिकल बैरियर। नाउ लेट्स मूव टू द अनदर पार्ट, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स क्या होते हैं, इनको भी देख लेते हैं। देखिए, रूल्स एंड रेगुलेशन से रिलेटेड होती है। आप सपोज स्टूडेंट हैं, अब आपको अपनी बात मैनेजमेंट के आगे रखनी है, तो सबसे पहले क्या करोगे, आप अपने क्लासरूम रिप्रेजेंटेटिव को बोलोगे, वो फिर आपके क्लास कोऑर्डिनेटर को बोलेगा, क्लास कोऑर्डिनेटर आपके डीन को बोलेगा, डीन जो है वो आपके प्रिंसिपल को बोलेगा, अब प्रिंसिपल जो है वो बात आपकी फिर आगे मैनेजमेंट के आगे रखेगा। अगर इतना लंबा प्रोसेस होगा तो कहीं ना कहीं बैरियर तो आ ही जाएंगे, ठीक है। कई बच्चे तो इस वजह से ये बात ही नहीं बोलते कि इतने लोगों को हमारी बात पता चल जाएगी। तो इस तरह से मैंने आपको बताया हायरार्की में होता है, ठीक है। इससे क्या होता है, कई बार हैम्पर हो जाते हैं, बट इससे क्या होता है, अगर हम ये सिस्टम ना बनाए, अब आप सोचो कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में 1000 स्टूडेंट है और सारे के सारे सीधे चेयरमैन सर के पास, इस मैडम के पास पहुंच जाए, या चेयरमैन या मैनेजमेंट की किसी हायर अथॉरिटी के पास पहुंच जाए, तो उसको तो काम करना मुश्किल हो जाएगा। उसके पास एक ही काम तो है नहीं कि आपकी ग्रीवियंस रिड्रेसल ही करेगा, उसके पास बहुत सारे काम होते हैं। तो ये जो रूल रेगुलेशन किसी भी उसके बनते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उसकी वजह से अगर कम्युनिकेशन में कोई बैरियर आता है तो उसे बोलते हैं, ठीक है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बैरियर, ठीक है। फ्री कम्युनिकेशन नहीं होता कई बार। अब जैसे प्रधानमंत्री मोदी मन की बात करते हैं, तो मन की बात में क्या है, एक आम आदमी उनसे डायरेक्ट बात कर सकता है, तो उससे क्या है कि लोगों के बारे में मन में क्या चीजें चल रही है उन्हें पता चल जाता है। पर्सनल बैरियर क्या होते हैं, ये भी सेंडर और रिसीवर दोनों में हो सकते हैं, ठीक है। ये उनकी चॉइसेस और प्रेफरेंसेस के ऊपर हो सकते हैं, चॉइसेस प्रेफरेंसेस एंड देयर कैपेबिलिटी। अगर वो चीज उनकी कैपेबिलिटी के बाहर किया तो आप उसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, ये हो सकता है। बाकी उनका जो लाइकिंग होती है, डिसलाइकिंग होती है, अब मान लीजिए मैं आपको करा रहा हूँ कोई चीज, आपको इंटरेस्ट ही नहीं है, तो फिर उस चीज में क्या होगा, पर्सनल बैरियर होगा, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं बट आप में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो फिर उस चीज को हम कैसे करा सकते हैं, ठीक है। ये कुछ बैरियर होते हैं टाइप्स, ठीक है। अब पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, हम इस चीज को थोड़ा सा बाद में करेंगे। आई होप इतना आज की क्लास के लिए बहुत है। एनी डाउट्स सो यू कैन आस्क, कोई भी डाउट्स है बच्चों तो आप